दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 27 लेकर के उपस्थित हैं। आज की हमारी सीरीज है इंग्लिश की, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन है और ये UPPCL JMRC एग्जाम बेस्ड सीरीज है। UPPCL और JMRC में ओल्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी बेस्ड के क्वेश्चन है और रीट और टेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले ये इंग्लिश के MCQ टाइप 15 क्वेश्चन है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो, तो ज़रूर आप UPCL JMRC एग्जाम बेस्ड ऑनलाइन इंग्लिश टेस्ट लिया था और आज हम उसको सोलो करने जा रहे हैं, तो ज़रूर आप टोटल क्वेश्चन की एक्सप्लेन देखें। और चलिए बात कर लेते हैं कि अपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप जारी कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो चलिए बात करते हैं इंग्लिश ऑनलाइन टेस्ट जिसका सॉल्वर्ड पार्ट आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चन की एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए वर्ब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा एक शब्द है जो वर्ब है। तो वर्ब यहाँ पे हमारा ऑप्शन है गोज, ये गोज है वो वर्ब है। और अब हम बात करें ये बुक, बुक नाउन है, ये टाल ये एडजेक्टिव है और ये वेरी ये एडवर्ब है। एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण। और अब हम बात करेंगे वर्ब की, वर्ब VERB वर्ब। वर्ब क्या होती है? द वर्ड विच शो एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब, यानी हिंदी में वो क्रिया कहलाती है। तो चलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन सेकंड, और क्वेश्चन सेकंड आपके सामने स्क्रीन पे है। राम विल गो टू स्कूल टुमारो, फाइंड टेंस इन दिस सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में टेंस फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा टेंस है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो कि विल गो और यहाँ पे टुमारो। जब आपके सेंटेंस में टुमारो नेक्स्ट प्लस टाइम, यानी नेक्स्ट के बाद में कोई भी टाइम, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट आवर, वीक, मंथ, ईयर, जो भी हो, तो वहाँ पर आपका फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। और अब हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में विल और सेल, ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है और इनके बाद वर्ब फर्स्ट यूज होती है। तो इसी के साथ में हम बात करेंगे कि आई और वी दो के साथ में सेल का यूज होता है। अब आई की टोटल फैमिली आई माई मी और वी आवर अस, इनके साथ में सेल का प्रयोग होता है और जो टोटल शेष बचते हैं ही सी इट थर्ड पर्सन नेम जो भी है उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट होती है। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ में होता है, बाकी जो बचते हैं उनके साथ में हम विल का प्रयोग कर लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है बट आपको पैसिव वॉइस का करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि एक्टिव को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, आपके पास एक्टिव का सेंटेंस है गो आउट, बिल्कुल सिंपल, बहुत ईजी है और देखने में आपको लगेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। गो जो कि हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो आपका पैसिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है,
तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम तीन प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कि इसको ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट या इसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है गो आउट। अब ये कहने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको ऑर्डर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है कि बाहर चले जाओ। तो रिक्वेस्ट से भी कह सकता है, ऑर्डर से भी कह सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको ऑर्डर मानते हुए, क्योंकि जब भी उसे कहा जाता है गेट आउट, गो आउट, तो ऑर्डर ही माना जाता है। तो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर मान करके किया है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं यू आर, और फिर यहाँ पे जब आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑर्डर होता है तो ऑर्डर कर सकते हैं, एडवाइज होती है तो एडवाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से माना है कि यू आर ओ आर डी ई आर ए डी ऑर्डर्ड, और प्लस करना है हमें टू, प्लस हमें करना है टू, और टू के आगे जो हमारा जो सेंटेंस होता है वो रख दिया जाता है। अब हमें ध्यान रखना है टू के बाद जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, इट मीन्स हमें वर्ब चेंज नहीं करनी है, गो और आउट। और ये हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में कि यू आर, और देखो इसमें यहाँ पे ये दैट दे दिया, इट मीन्स ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी गोन, और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे दी वेंट। तो ऑप्शन हमारा You are ordered to go out, और ये पेसी वॉइस का हमारा सेंटेंस सही है। तो चलिए बात करते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन 4, फर्स्ट टू स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड, और आपको यहाँ क्या करना है कि इस सेंटेंस में कि आपको चूज करना है इनमें से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा द, क्योंकि जब ऑर्डरली नंबर आते हैं जिस प्रकार से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इनसे पहले द आर्टिकल का यूज होता है, सेकेंड, फिफ्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, तो वहाँ पर द का यूज किया जाता है। और यहाँ हमारे पास द ऑप्शन जो है, और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच का करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको जो करेक्ट सेंटेंस दिया है वो क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है पहले जो इनडायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट में आपको दिया गया है सी सेड टू मी कोमा क्लोज और इन्वाइटेड कोमा स्टार्ट लेट मी गो और प्लीज। अब कभी कभार क्या है आपके इस सेंटेंस में यहाँ पे प्लीज आ सकता है, प्लीज और उसके बाद में लेट मी गो, तो आपको क्या करना है इस प्लीज को समझना है। ये प्लीज कोमा से बाहर, ये आपका यहाँ पे हो सकता है या ये लास्ट में हो सकता है, लेकिन आपको इससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ये प्लीज वाला सेंटेंस है तो हम इस सैड को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं कि आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी। जब आपका प्लीज हट जाएगा और ये सैड टू है वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ने के लिए दैट लग जाएगा। बाकी जो सभी इनडायरेक्ट स्पीच वाले रूल है आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कि सी सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ प्लीज दिया है और इस प्लीज को हटाना होगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़ने के लिए टू लगाना है। अब टू क्यों लगाना है, क्योंकि जो प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस होते हैं ये इंपेरेटिव टाइप के होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी इंपेरेटिव टाइप की और पैसिव वॉइस भी इंपेरेटिव टाइप की होती है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जोड़ने के लिए टू, फिर इसमें लेट हटता नहीं है, लेट से संबंधित हम पहले
किसी मिक्स क्वेश्चन सीरीज में बात कर चुके हैं और आगे और कभी करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे ये मी फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन को बाहर के वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो देखिए मी किस प्रकार से, यहाँ पे ये बनता है सी और इसका हर और ये हर बनता है, और ये मी बनता है और ये माई होता है, ये आई। अब देखिए आई का तीन नंबर मेंबर है मी, और अब सी का तीन नंबर मेंबर हो जाएगा हर। तो जब हम मी की छुट्टी करेंगे तो वहाँ पे हर हो जाएगा, और इस प्रकार से हमने इस मी को हर में चेंज कर दिया है। और अब ये गो, क्योंकि यहाँ पे टू आ गया और टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आती है, तो यहाँ पे हमने वर्ब फर्स्ट की है, जो गो यहाँ पे सेम आ जाएगा और हमारा आंसर भी यही है। आंसर हमारा बन गया सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर गो। और अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सिक्स। क्वेश्चन सिक्स में बात करें सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट डिटरमिनर। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट डिटरमिनर चूज करना है, और आपका जो क्वेश्चन दिया गया है हाउ डैस मनी डू यू हैव। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है हाउ डैस मनी, और इसके साथ में हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं मच का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे हाउ के बाद में मच और यहाँ पे दे रखा है मनी। मनी है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच का प्रयोग किया जाता है, और काउंटेबल के साथ में मैनी का प्रयोग किया जाता है। ये फ्यू भी काउंटेबल है, तो यहाँ पे मनी अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने क्या किया है, इसमें मच ही ऑप्शन आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि मच का यूज, ए लॉट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ। इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन होती है, इनके साथ में मच का यूज किया जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन। राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। आपको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो इससे पहले हमें क्या करना है समझने की बात है, वो हमारे पास ये है कि ये सेंटेंस आपको पॉजिटिव में चेंज करवा रहा है पॉजिटिव डिग्री में, बट है कौन सी डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास है कंपेरेटिव डिग्री। तो चलिए कंपेरेटिव डिग्री में एक तो जो आपको वर्ड दिया होता है उसके लास्ट में ईआर दिया होता है, और एक सबसे बेस्ट पहचान होती है टी एच ई एन देन, और एक होती है जो शब्द से पहले मोर, जैसे मोर ब्यूटीफुल मोर यूजफुल। तो आपको कंपेरेटिव डिग्री दी गई है और चेंज किस में करना है पॉजिटिव डिग्री में, तो जरूर आप पॉजिटिव डिग्री में देखिए। अब इसका पॉजिटिव डिग्री, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव डिग्री में हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा जो श्याम इज नॉट सो स्ट्रोंग एज राम। श्याम इसमें तो कहा गया कि राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम, जो आपको दिया गया है कि राम श्याम से मजबूत है स्ट्रोंग है स्ट्रोंगर है। तो यहाँ पे आपको बताना है श्याम इज नॉट सो स्ट्रोंग एज राम, श्याम इतना स्ट्रोंग नहीं है जितना कि राम, क्योंकि दोनों की तुलना की गई है। अब हमें क्या करना है कि आपको बताना है कि ऊपर वाले ऑप्शन में क्या मिस्टेक है। तो चलिए देखिए इसको हमने स्टार्ट किया है श्याम से, लेकिन यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव की बजाय कंपेरेटिव डिग्री यूज की है एस टी आर ओ एन जी, ये पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन इसके लास्ट में ई आर जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हमारा कि हमने इस सेंटेंस को स्टार्ट किया है कि इसमें जो कि राम से स्टार्ट किया है, इसमें हमने जो कि तो यहाँ पे हमने क्या किया इसको राम से स्टार्ट किया है,
क्योंकि इस सेंटेंस को हमने राम से स्टार्ट कर दिया, जबकि पहले में आपको राम जो दिया गया है तो आपको लास्ट से स्टार्ट करना है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। और आगे इसको श्याम से स्टार्ट किया है लेकिन इसमें आपको फिर से कंपेरेटिव डिग्री दे दी, स्ट्रोंगर देन दे दिया, तो हमारा ऑप्शन श्याम इज नॉट सो स्ट्रोंग एज राम। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 8। क्वेश्चन 8 में चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही ऑप्शन चूज करें। सी और ही डैश रीडिंग बुक दिस टाइम। आपको यहाँ पे कहा गया है सी और ही। अब देखने में तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे एक तो सी हो गई, एक ही हो गया, और ये आपके दो सब्जेक्ट हो गए, कि दो सब्जेक्ट यानी दो कर्ता हो गए। और जब दो कर्ता होते हैं तो वो प्लूरल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि जब आपका सेंटेंस और या नोर इन दोनों से जुड़ता है, इन दोनों से जुड़ा हुआ होता है, तो वो सिंगुलर ही माना जाता है। और मोस्टली क्या होता है कि इसमें हमें क्या करना होता है कि जब दो सब्जेक्ट और या नोर से जुड़े होते हैं तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। अब यहाँ पे आपका जो ही है वो सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो आपकी वर्ब प्लूरल भी हो सकती थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है इज, तो यहाँ पे आंसर इज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है और या नोर के आगे वाले सब्जेक्ट को देख करके ही हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर इज है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम दीज गिवन बिलो। आपको क्या करना है, करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है और नीचे दिए गए इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया राम स्टडीज डैश 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 करके 7 PM एंड 9 PM। तो यहाँ पे आपको दिया गया है दो टाइम, टू टाइम्स दिया गया है, कि एक तो आपको 7 PM और एक दिया गया है 9 PM। राम 7 और 9 बजे के बीच स्टडी करता है, तो अब हमारा यहाँ आंसर होगा बिटवीन। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं कि बिटवीन क्यों होगा। जब कोई दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाती है या कंपेयर की जाती है तो उस कंडीशन में आपको बिटवीन का यूज करना होता है, लेकिन दो या दो से अधिक, दो से जब ज़्यादा हो जाते हैं, दो नहीं, दो के बीच में तो बिटवीन है ही, लेकिन दो से ज़्यादा हो वहाँ पर आपको अमंग का प्रयोग करना है, विद का प्रयोग करना है जब कोई किसी के साथ में हो, और ऑन का प्रयोग करना है घड़ी, ऑन का प्रयोग करना है दिनांक से पहले, दिन के पहले जैसे संडे मंडे, और किसी फेस्टिवल के पहले, या हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तब। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बिटवीन किन किन के साथ में यूज होता है, कि बिटवीन जब दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो स्थान के बीच में कोई कार्य दिखाना होता या समय अवधि दिखानी होती है तब बिटवीन का प्रयोग होता है, लेकिन केवल दो के बीच ये कार्य तुलना समय अवधि होनी चाहिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। तो बात करने वाले क्वेश्चन 10 की, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बोथ सी एंड आई डैश गुड फ्रेंड। यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि बोथ सी एंड आई दोनों, वह और मैं गुड फ्रेंड है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब इस प्रकार से आपके पास जब कोई दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़े होते हैं तो प्लूरल वर्ब आती है, कि जब आपके बोथ
और यहाँ पे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद में एंड और इसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे आपकी वर्ब प्लूरल होगी और इसमें वर्ब प्लूरल केवल आपकी आर, हैज, इज, वाज, हैज, ये तीनों ही सिंगुलर है, केवल आर प्लूरल है। लेकिन बोथ एंड से जब कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन 11 में सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम, आपको उचित सिनोनिम चूज करना है। सबसे पहले आपको दे रखा है जो आपके पास है, और ये हमारे पास है जे, ये स्पेलिंग मिस है थोड़ी, डी ई जे ई सी टी आई ओ एन, ये है डिजेक्शन, और डिजेक्शन का जो अर्थ होता है वो है निराशा, इसका मीन्स होता है निराशा या निराश। और यहाँ पे हमारा आंसर है डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट का मीन भी होता है निराश। और यहाँ पे दे रखा है हेवनली, और जो हेवनली दिया गया है इसका अर्थ है ईश्वरीय, इसका अर्थ है ईश्वरीय। और आगे हमारे पास जो दिया गया है दूसरा जो नेक्स्ट है ये डिलाइटफुल, तो डिलाइटफुल का मीन्स होता है आनंद पूर्ण, कह सकते हैं आनंद पूर्ण, या हम कह सकते हैं खुशी से। और सेम फुल, यहाँ पे सेम फुल का मीन्स होता है बुरी, या हम कह सकते हैं दुष्टता पूर्ण, या हम कह सकते हैं दुष्टता पूर्ण। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम, आपको अपोजिट चूज करना है, और कौन सा अपोजिट आपको दिया गया है, किसका अपोजिट है। तो सबसे पहले आपको एंटोनिम्स के लिए दिए गए जो वर्ड है ये दिए गए एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट आपके पास ये अमूर्त है, इसका मीन्स होता है अमूर्त, और ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको अमूर्त, और इसके आगे जो अमूर्त, और अब आपको दिए गए यहाँ पे कॉन्सर्ट, तो ये होता है मूर्त, ये होता है मूर्त। और आगे आपको दिया गया जो अट्रैक्ट है, तो अट्रैक्ट का जो अर्थ है ये है आकर्षित करना, और आगे दिया गया है अराइव, अराइव का मीन्स होता है पहुंचना, अराइव का मीन्स होता है पहुंचना। और आगे दिया गया है डिपार्च, इसका अर्थ होता है प्रस्थान करना। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में सिलेक्ट द वन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस के लिए आपको वन वर्ड चूज करना है। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, लाइफ हिस्ट्री जीवन इतिहास, और व्यक्ति जो कि स्वयं के द्वारा लिखा जाता है, तो जो स्वयं द्वारा लिखी जाती है वो होती है ऑटोबायोग्राफी, जिसको आत्मकथा कहते हैं। और यहाँ पे बायोग्राफी, ये बायोग्राफी होती है वो हिमसेल्फ की बजाय ELS यानी दूसरों के द्वारा लिखी जाती है वो होती है बायोग्राफी। और जूलॉजी, जूलॉजी होती है तो ये होती है द साइंस ऑफ एनिमल लाइफ जूलॉजी। और आगे आपको दे रखा है पार्सल, तो ये दे रखा है ए लेडी अम्ब्रेला, इसको छाता कहते हैं, अम्ब्रेला इसको छाता कहते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में द नाउन फ्रीडम बिलोंग टू, जो फ्रीडम है ये कौन सी नाउन है, आपको बस इतना ही बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ये है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये हमारी होती है भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये मटेरियल नाउन, सबसे पहले तो ये मटेरियल नाउन होती है पदार्थवाचक, जिसमें हम किसी गोल्ड,
तो इसमें जो पदार्थवाचक होती है तो इसमें द नाउन विच डिनोट गैसेज सॉलिड और लिक्विड फ्रॉम द मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ये हमारे पास, इसमें हम हिंदी में इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं, द नाउन विच डिनोट्स फीलिंग्स थॉट्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आगे हमारे पास जो यहाँ पे ये है इसको हम करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन विच कैन बी सीन इज कॉल्ड, जो कि यहाँ पे द प्रॉपर नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन एनिमल पैलेस एंड थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स एनिमल्स थिंग्स एटसेट्रा इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और चलते हैं बात कर लेते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टू थ्रो आउट करेंसी मीन्स, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू थ्रो आउट द करेंसी, यहाँ पे कि जो करेंसी होती है उसको बाहर फेंकना मीन्स मतलब है इसका, तो यहाँ पे इसका मीन्स होता है पुट आउट ऑफ यूज, इसका अर्थ उपयोग से बाहर। टू थ्रो आउट द करेंसी मीन्स पुट आउट ऑफ यूज, उपयोग से बाहर। और इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं इजीली, जो कि आसानी से, फॉरगेट भूलना, और डिस्ट्रॉय जो कि नष्ट करना या समाप्त करना। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहें, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लिया उनको भी धन्यवाद, जो अभी कर लेंगे उनको भी धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।